क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। जब मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मून क्या कर रहा है, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ मून की ओर क्यों नहीं मूव हो जाती, ये हमसे पूछा है। तो अर्थ का मास होता है बहुत ज़्यादा इन कंपेयर टू मून, और जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता है उस इनर्शिया पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, देखिए आंसर होगा द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ बिकॉज इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट बट स्टिल द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड इट बिकॉज इट इज़ अ मैसिव, इट इज़ मोर मैसिव देन द मून। मैसिव का मतलब है मास ज़्यादा है, विशाल है, अर्थ जो है मून से बड़ी है। इट इज़ इफ़ द मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज़ मोर, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज़ कैंसिल आउट। जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज़ मोर, और क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अगर अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो 9.8 वैल्यू होती है, मून की वैल्यू 1.67 समथिंग होती है। तो किसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, अर्थ की, तो इसलिए अर्थ मूव नहीं होगी। क्लियर।